हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रिसोर्सेज के बारे में जिनका यूज करके आप अपने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, डीप लर्निंग के एनएलपी के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं विद एग्जाम्पल ऑफ सोर्स कोड। इन प्रोजेक्ट्स का हमारे पास सोर्स कोड भी अवेलेबल है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तीन ऐसे रिसोर्सेज की बात करूंगा मैं जो बहुत ही अच्छे हैं मेरी पर्सनल रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट रिसोर्स। ये एक गिटहब रेपो है। आप यहाँ पे जाइए github.com, web101 एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। इन सब के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर लूंगा। तो आप जब इस लिंक के ऊपर जाएंगे, आप इसमें नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे इस रिसोर्स की एक सबसे बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसमें क्लासिफिकेशन कर रखा, क्लासिफिकेशन एज इन कि बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, इंटरमीडिएट लेवल के कौन से हैं, एडवांस लेवल के कौन से हैं विद द सोर्स कोड। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू में इन्होंने डाल रखे हैं बेसिक लेवल के, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस है, फेक न्यूज डिटेक्शन है, कलर डिटेक्शन है, आयरिस डेटा सेट है के ऊपर है, प्रेडिक्ट द क्लास ऑफ पर्टिकुलर फ्लावर। ये तो मैंने भी अपने उसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में कवर किया है। बिग मार सेल्स, ये भी मैंने यूज किया है। तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, टाइटेनिक वाला है, टाइटेनिक वाला भी मैंने कवर किया है अपनी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फिर इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के जैसे कि स्पीच इमोशन रिकॉग्निशन हो गया, जेंडर एंड एज डिटेक्शन हो गया, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन हो गया, एंड सॉन्ग रिकमेंडेशन हो गया, ये सब। एडवांस लेवल में आप जाके देखेंगे तो पर्सनली जो मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं, जो दो दो एरिया, एक तो रिकमेंडेशन सिस्टम और दूसरा कस्टमर सेगमेंटेशन। मेरे हिसाब से ये दोनों जो हैं आपके सीवी के लिए बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। आप इनके ऊपर हैंड्स ऑन कीजिए और आप इनको अपने सीवी में डाल सकते हैं। और डेफिनेटली जिसने इस टाइप का प्रोजेक्ट किया है वो उसका सीवी अलग से ही सेलेक्ट हो जाता है। तो दूसरे रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। ये भी एक गिटहब रेपो है आशीष पटेल की। इन्होंने तो 500 AIML प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे रिसोर्सेज को इधर उधर यहाँ वहाँ से हर जगह से क्यूरेट करके और इस रेपो में उनके लिंक्स डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली जाके चेक कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस लेवल का आपका प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप जा सकते हैं और ये इनमें से कोई भी लिंक को ओपन कीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज लेवल, और आप उसको रेफर कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही लंबी लिस्ट है, 102। तो आप इसमें जा सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि लेट्स से ये 51 पे हो, सम चैटबॉट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे चैटबॉट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक अलग दूसरी किसी गिटहब रेपो का लिंक है, यहाँ पे आप जाके देखिए। ये यहाँ पे जो है अलग अलग चैटबॉट के जो है सोर्स कोड के जो है यहाँ पे लिंक्स डाले हुए हैं। तो आप इनको रेफर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चैटबॉट का ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। तीसरी वेबसाइट है दिस डेटा फ्लेयर डॉट ट्रेनिंग। आप इसके ऊपर जाइए और इसमें आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी एक्सटेंसिव लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की, पाइथन के प्रोजेक्ट, पाइथन जो हार्ड कोर सिर्फ पाइथन का यूज करके बनाए गए हैं वो पाइथन के प्रोजेक्ट्स हैं, पाइथन डिजांगो प्रोजेक्ट्स हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और इसमें ये है कि इसमें जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है और सोर्स कोड भी दे रखा है और डेटा सेट भी दे रखा है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक आपको बता देता हूँ, जैसे कार्टूनिफाई एंड इमेज विद एन ओपन सीवी इन पाइथन। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपनी इमेज को कार्टूनिफाई कर सकते हो। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ये देखिए साथ के साथ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं, सोर्स कोड डाला हुआ है। यहाँ से आप जो है पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कार्टूनिफाई, प्लीज डाउनलोड सोर्स कोड फॉर दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे इन्होंने जो है सोर्स कोड के जो है स्निपेट्स भी डाल रखे हैं विद द स्टेप्स विद एन एक्सप्लेनेशन की हाँ इस सोर्स कोड से हम ये कर रहे हैं, इस सोर्स कोड से हम वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं।
तो पॉइंट ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया भी गया है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं अपने डेटा साइंस के मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। और आप जब हैंड्स ऑन कर लेंगे तो आप उनको अपने सीवी में डाल सकते हैं, जो कि आपको अपनी जो है जॉब जॉब सर्च में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाह रहे हैं और एब्सोल्यूट बिगनर हैं, पता ही नहीं कि कहाँ से शुरुआत करती है, उसके लिए भी मैंने एक पूरी कंप्लीट मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट बनाई है एब्सोल्यूट बिगनर के लिए। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और जो है उस वीडियो को उस प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आई एम श्योर आप उससे बहुत अच्छा सीखेंगे। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट। थैंक यू।